कंपैरिजन करते हैं हम लोग आपका कॉमन एमिटर विथ आरिका और कॉमन एमिटर विदाउट आरिका, ठीक है, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, सारे पैरामीटर देता हूँ, एक हो गया मेरा करंट गेन, एक हो गया मेरे लिए इनपुट इम्पिडेंस, एक हो गया मेरा वोल्टेज गेन और एक हो गया मेरा आर नॉट आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए आई की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस एच एफ ई, दोनों में अप्रोक्सीमेट मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं ना, दोनों में कितना आया था, माइनस एच एफ ई, माइनस एच एफ ई, एक्चुअली क्या था ये आपके लिए अनअफेक्टेड, कोई अफेक्ट नहीं हुआ था यहाँ पे, ठीक है, आरी का यहाँ पे कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ था, आरी प्रेजेंट होने से कुछ भी अफेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। आर आई की बात करता हूँ, आर आई के लिए क्या आया था आपके लिए, एच आई, ये कितना आया था आपके लिए, वन प्लस एच एफ ई आर ई, ठीक। एवी की बात करता हूँ, एवी में कितना आया था ये, ए आई आर एल अपॉन आर आई, ठीक। यहां पे कितना आया था ये आपके लिए, माइनस आर एल अपॉन आर ई, ठीक है। एक और चीज, अगर आपको गेन बढ़ाना है, अपने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का गेन बढ़ाना है, तो आपको लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई रखनी पड़ेगी, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई रखनी पड़ेगी अमीटर रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली भी आप गेन बढ़ा सकते हो। अगर बात करूं इसकी मैं, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ठीक, ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक, ये क्या हुआ आपके लिए, डिक्रीज हुआ, और ये आपके लिए अनअफेक्टेड ही रह गया, ये आपके लिए क्या हो गया, अनअफेक्टेड ही रह गया, ठीक है। तो इसका आपको अच्छा आइडिया है। अब ऐसा ना हो किसी को टेबल रटना पड़े, अगर टेबल रटना पड़े तो फिर पढ़ने का मतलब नहीं हुआ, है ना, किसी को टेबल रटना ना पड़े। हाँ ये अच्छी बात है कि टेबल में से गात वैल्यू भूल गए तो डिराइव करके बन ले आए 60 सेकंड में, वो अच्छी बात है, हेल्दी बात है आपके कंसेप्ट के लिए, ठीक है, कि आप 60 सेकंड में ला सकते हो उसको वापस, ठीक है। पर किसी को याद ना करना पड़े, और किसी को अच्छे से याद रहे कि क्या अफेक्ट हो रहा है, क्या अनअफेक्ट हो रहा है, क्या डिक्रीज, क्या इंक्रीज, ठीक। और एक कपलिंग कैपेसिटर बनाया था, उस कपलिंग कैपेसिटर को आरी से रिलेट करेंगे और उस आरी को रिलेट करेंगे अपने सारे के सारे पैरामीटर से, तो वो मेन बात थी ये सब पढ़ाने का, है ना, मतलब सीएसपीटीएलओसी ये सब काम का है ना, लेकिन 2 मार्क्स में फिर वो पूछता है कि व्हाट इज अफेक्ट ऑफ बायपास कैपेसिटर, है ना। फिगर बनाया था मैं आपका किसका, बायपास कैपेसिटर वाला, जो एसी एंड डीसी का फिगर था, उस फिगर को दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, उसी फिगर को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। याद है स्टार्टिंग में वाला फिगर ड्रॉ किए थे हम लोग, सेम टू सेम फिगर स्टार्टिंग में ड्रॉ किए थे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सी प्रेजेंट है, मैं एक सेम फिगर ड्रॉ करता हूँ, एक सेम फिगर मैं आपके लिए और ड्रॉ करता हूँ, उसमें मैं सी हटा देता हूँ, ठीक है। तो 2 फिगर बनाता हूँ मैं आपके लिए, ये फिगर एसी फिगर है कि डीसी फिगर है, दोनों है, ऊपर भी सीसी लगा हुआ है ना, दोनों है, हाँ तो बाइसिंग ले ना, बाइसिंग वो एक्टिव में नहीं तो फिर एम्पलीफायर कहां से बनेगा, ऐसा नहीं है, जो मैं ब्लैकबोर्ड बनाता हूँ सबका काम होता है, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है। एक चीज चेंज है, एक तो आपका सी यहाँ पे लगा हुआ है, वहां पे आपके लिए सी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। जो मैं पूरा बात करने वाला हूँ, अपन ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, एम्पलीफायर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा पूरा फोकस रहने वाला है एसी सर्किट पे, है ना, एसी एनालिसिस पे हमारा पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है। तो हम लोग एक 2 पार्ट में एनालिसिस भी किए थे, एक एसी एनालिसिस था, एक डीसी एनालिसिस था। अगर आपको ध्यान से याद हो तो डीसी एनालिसिस वाले केस में कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया था, दोनों कैपेसिटर आपका क्या हो गया था, ओपन सर्किट हो गया, क्योंकि मैं कपलिंग कैपेसिटर को नहीं हटाया हूं ना, कपलिंग कैपेसिटर यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है। रीजन क्या है कि मैं आउटपुट इसको नहीं मान रहा हूँ, मैं आउटपुट अलग से मान रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आउटपुट में डीसी वोल्टेज का कोई भी अफेक्ट ना है, इस कारण वहाँ पे कैपेसिटर लगा रखा हूँ। तो इस फिगर में भी कपलिंग कैपेसिटर प्रेजेंट है, उस फिगर में भी कपलिंग कैपेसिटर प्रेजेंट है। सी जो है एमिटर बायपास कैपेसिटर, उसको हम बोलते हैं बायपास कैपेसिटर, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आपके लिए एसी एनालिसिस की, तो ये फिगर में एक्चुअली एसी डीसी दोनों बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके लिए डीसी एनालिसिस की, तो क्या हो जाएगा आपका, बीसीसी दोनों में ग्राउंड हो जाएगा, वीसीसी क्या हो जाएगा, दोनों में आपके लिए ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं सी की, जब मैं एसी वाला फिगर ड्रॉ करूंगा, जब मैं एसी वाला फिगर ड्रॉ करूंगा, तो सी क्या हो जाएगा मेरे लिए, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर मैं एसी वाला फिगर ड्रॉ करूंगा तो सी क्या हो जाएगा मेरे लिए, शॉर्ट सर्किट। अगर सी शॉर्ट सर्किट हुआ तो आरई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर सी शॉर्ट सर्किट हुआ तो आरई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मतलब जब मैं मॉडलिंग करूंगा अपने ट्रांजिस्टर की, तो आरई वहां पे आएगा ही नहीं, आरई वहां पे आएगा ही नहीं, एमिटर आपका डायरेक्टली ग्राउंड हो जाएगा। यहां पे आरई 0 होगी क्या, नहीं होगी। क्यों 0 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सी लगा ही नहीं है, यहाँ पे सी नहीं लगा है, मतलब क्या, यहाँ पे बायपास कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। तो इस फिगर को हम लोग बोलते हैं बायपास फिगर, इस फिगर को हम लोग बोलते हैं बायपास एम्पलीफायर, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं अनबायपास एम्पलीफायर, स्पेसिफिक में C
सी की बात कर रहा हूँ, है ना, कॉमन कलेक्टर या कॉमन बेस के ऊपर कुछ कमेंट ही नहीं कर रहा हूँ, बनाए नहीं हम लोग फिगर उसका, है ना। तो मैं अभी स्पेसिफिकली यहाँ पे सी की बात कर रहा हूँ। सी एक्चुअली क्या कर रहे हैं मेरे लिए, सी क्या कर रहा है, सी मेरे लिए आरी को जीरो कर दे रहा है। अगर सी प्रेजेंट है, अगर सी प्रेजेंट है तो जब मैं उसका एसी एनालिसिस करूंगा, मतलब एम्पलीफायर एनालिसिस करूंगा, तो क्या हो जाएगा, आरी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर आरी की वैल्यू जीरो हो गई, अगर आरी की वैल्यू जीरो हो गई तो आपको मालूम है कि इफेक्ट क्या क्या आएगा। अगर आरी की वैल्यू जीरो हो गई तो आपका करंट गेन एचएफई दोनों में रहेगा। इस केस में भी आपका करंट गेन कितना है, इस केस में भी आपका करंट गेन एचएफई के बराबर ही है, ठीक है। यहां पे भी करंट गेन आपका कितना है, माइनस एचएफई, ठीक। इस केस में भी आपका करंट गेन कितना है, माइनस एचएफई, ठीक। अगर इनपुट इंपीडेंस की बात करूं तो यहां पे इनपुट इंपीडेंस कितना है आपका, एच आई ई, यहां पे आपका इनपुट इंपीडेंस कितना है, एच आई प्लस वन प्लस एच एफ ई आर ई, ठीक। यहां पे अगर बात करूं मैं आपके लिए वोल्टेज गेन की, तो यहां पे वोल्टेज गेन की वैल्यू कितनी है, ए आई इंटू आर एल अपॉन आर आई, और आर नॉट की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है, ठीक। यहां पे आपको क्या हो जाएगा, ए आई की वैल्यू माइनस आर एल बाय आर ई, ठीक, और यहां पे आपका आर नॉट की वैल्यू इनफाइनाइट रहेगी, ठीक है। कोई आपसे पूछे, अगर वाई नॉट पूछेगा तो वाई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। वाई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि वन बाय इन्फिनिटी मतलब जीरो, ठीक। तो यहां पे भी आपके वाई नॉट की वैल्यू जीरो होगी, ठीक। तो एक्चुअली आर ई क्वेश्चन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसा सिनेरियो होता ही नहीं। अगर आपको ट्रांसफर की बायसिंग करनी है तो आपको आर ई की नीड रहेगी, अगर आपको ट्रांसफर की बायसिंग करनी है तो आपको आर ई की नीड बिल्कुल रहने ही वाली है। क्योंकि ट्रांसफर की बायसिंग का मतलब क्या होता है, इनपुट जंक्शन आपका क्या होना चाहिए, एक्टिव रीजन में रखने के लिए। रीजन मालूम है ना आपको, ट्रांसफर चार रीजन होते हैं, चार होते हैं कि तीन होते हैं, चार रीजन होते हैं ट्रांसफर के, है ना। एक होता है आपका एक्टिव, एक होता है आपका इनवर्स एक्टिव, एक होता है आपका कट ऑफ, एक होता है आपका सैचुरेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर कट ऑफ है तो दोनों जंक्शन आपका इनपुट जंक्शन आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। अगर सैचुरेशन है तो दोनों जंक्शन आपका क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। अगर एक्टिव है तो एक जंक्शन आपका क्या होना चाहिए, रिवर्स फॉरवर्ड बायस, और एक जंक्शन आपका रिवर्स बायस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये तो आपका एक जंक्शन कंफर्म बनने वाला है, ठीक है, तो एक जंक्शन कंफर्म बनने वाला है मतलब आरी यहां पे इंपॉर्टेंट है, आरी तो रहने ही वाला है, तो आरी को आप हटा नहीं सकते। आरी को हटा के बायसिंग थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपने, तो आरी को आप हटा नहीं सकते। तो एक्चुअली आरी को हटाने के लिए हम लोग बायपास कैपेसिटर का यूज करते हैं। अगर आरी लगा हुआ है और आपको आरी को हटाना है अपने एसी वाले फिगर में, तो आप वहां पे एक कैपेसिटर लगा दो, वहां पे आप एक कैपेसिटर लगा दो, वो क्या कर देगा, शॉर्ट हो जाएगा एसी एनालिसिस वाले केस में, और आरी को जीरो कर देगा। तो एक्चुअली जो मैं आपके लिए फर्स्ट वाला केस बनाया था वो क्या कर रहा था आपके लिए, मैं वहां पे आरी में बनाया नहीं था, लेकिन एक्चुअली वहां पे सी लगा हुआ था और वो आरी को शॉर्ट कर देता था, वहां पे सी लगा हुआ था और वो आरी को शॉर्ट कर देता था। यहां पे सी नहीं लगा, इस कारण आरी शॉर्ट नहीं हो रहा है, इस कारण आपका पूरा नीचे आरी वाला फिगर पूरा बन गया, क्लियर। तो ये दो फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको जानना है कि इफेक्ट ऑफ बायपास कैपेसिटर क्या होता है। एक्चुअली जो इफेक्ट आरी का होता है वही सेम इफेक्ट आपके बायपास कैपेसिटर का होता है। आरी क्यों आ रहा है, क्योंकि बायपास कैपेसिटर नहीं है इस कारण आ रहा है, बायपास कैपेसिटर एब्सेंट है इस कारण तो आपके फिगर में आरी आ रहा है। अगर बायपास कैपेसिटर प्रेजेंट होता तो आपके फिगर में कभी भी आरी आता ही नहीं। तो अगर मैं बात करूं आपके लिए इफेक्ट ऑफ बायपास कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ बायपास कैपेसिटर, ठीक, अगर इफेक्ट ऑफ बायपास कैपेसिटर की बात करूं मैं, तो करंट गेन अनअफेक्टेड, करंट गेन क्या हो जाएगा आपके लिए, अनअफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके लिए इफेक्ट ऑफ बायपास कैपेसिटर, तो क्या होगा आपका इनपुट इंपीडेंस, बताओ क्या चेंज आएगा, सोचो ढंग से। यहां पे एब्सेंट है आपका बायपास कैपेसिटर, यहां पे एब्सेंट है, यहां पे बायपास कैपेसिटर क्या है आपके लिए प्रेजेंट है। तो बायपास कैपेसिटर के आने से, बायपास कैपेसिटर के आने से क्या होता है, एच आई प्लस वन प्लस एच एफ ई आर ई एच आई हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके लिए इनपुट इंपीडेंस डिक्रीजेस, ठीक। अगर मैं बात करूं आपके वोल्टेज गेन की, अगर मैं बात करूं आपके लिए वोल्टेज गेन की, तो वोल्टेज गेन बताओ ये वाला बड़ा है कि वो वाला बड़ा है, फर्स्ट वाला बड़ा है। तो सी के कारण क्या होता है आपका, एमिटर बायपास कैपेसिटर के आने से वोल्टेज गेन की वैल्यू बढ़ जाती है। एक्चुअली ये वाला छोटा है ना, छोटा कब है, जब आपका सी एब्सेंट है, सी को अगर मैं ऐड कर दिया तब तो बड़ा हो गया, ठीक है। तो एमिटर बायपास कैपेसिटर से क्या होता है आपका, वोल्टेज गेन का वैल्यू इंक्रीज होता है, ठीक है। तो वोल्टेज गेन इंक्रीजेस, वोल्टेज गेन इंक्रीजेस, ठीक। अब मैं बात करूं आपके आउटपुट इंपीडेंस की, तो क्या होगा, वो रिमेन्स अनअफेक्टेड, ठीक।
तो आउटपुट इम्पिडेंस, अगर आपको 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा, इसका जनरली 2 मार्क्स में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो क्या करना है, दोनों फिगर ड्रॉ करना है, आपको एमिटर बायपास कैपेसिटर दिखाना है और वो 4 पॉइंट लिख देना है, क्लियर। 7 मार्क्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, ठीक है, 7 मार्क्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या करना है, आपको एक मॉडल बनाना है जहां पे आपका आरई प्रेजेंट रहेगा, एक मॉडल बनाना है जहां पे आपका आरई एब्सेंट रहेगा, चारों वैल्यू को डिराइव करके लाना है और उसके बाद फिर आपको वो 4 स्टेटमेंट लिख देना है, ठीक है। तो आपको पता रहे कि इफेक्ट ऑफ बायपास कैपेसिटर क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायपास एम्पलीफायर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबायपास एम्पलीफायर, ठीक है। तो सीई का रहना ना रहना बहुत जरूरी है, वो आपके एसी पैरामीटर्स को अफेक्ट करता है, उनमें से 2 एसी पैरामीटर्स को अफेक्ट करता है, 2 तो आपके अनअफेक्टेड ही रहते हैं, क्लियर। तो आपको इसका इफेक्ट बहुत अच्छे से पता रहे। एक्चुअली क्या हुआ है, अभी मेरा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का दोनों पार्ट खत्म हो गया है ना, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का मैं एग्जैक्ट एनालिसिस भी कर डाला, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस भी कर डाला, विथ आरई भी एनालाइज कर लिया, विदाउट आरई भी आपके लिए क्या किया, एनालाइज कर डाला, ठीक है। तो हमसे भी पूछेगा प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है। तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की प्रॉपर्टीज लिखना है, अगर प्रॉपर्टीज लिखना है तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या मेंशन करोगे आप लोग, प्रॉपर्टीज में क्या क्या मेंशन करोगे, सारे एसी पैरामीटर। एम्पलीफायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, इनपुट इंपेडेंस, आउटपुट इंपेडेंस, आपका करंट गेन, आपका वोल्टेज गेन, ठीक है। तो आपको तीनों एम्पलीफायर का, कॉमन एमिटर का, कॉमन बेस का, कॉमन कलेक्टर का प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है, फिर आप पढ़े क्यों, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछता है कि तीनों को आप कंपेयर करो, कि आप कॉमन एमिटर का कंपेयर करो, कॉमन बेस का कंपेयर करो, कॉमन कलेक्टर का कंपेयर करो, ऐसा भी आपको पूछता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में आपके पास सारी प्रॉपर्टी तो होती है, सारी प्रॉपर्टी होती है, एक तो आपको होता है वोल्टेज गेन, एक होता है आपका करंट गेन, एक होता है आपका इनपुट इंपेडेंस, एक होता है आपका आउटपुट इंपेडेंस, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ठीक है। एक आधे किसी को लिखना है तो पावर गेन भी लिख सकता है वो, ठीक है। पावर गेन क्या होता है, पावर गेन आपके वोल्टेज गेन और करंट गेन का प्रोडक्ट होता है। पावर गेन मतलब पावर क्या होता है, आपका वोल्टेज और करंट, तो पावर गेन क्या होगा, आपका वोल्टेज गेन और करंट गेन का प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक फिफ्थ आप मैक्सिमम पावर गेन ऐड कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा आपको, तो आपके पास तो इतने के लिए 5 ही पॉइंट रहेंगे और क्वेश्चन ही आपके लिए कितना 7 मार्क्स का है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है आपको, कि आपको अगर कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर को कंपेयर करने बोला, आप 3 फिगर बना डालो, आप 3 फिगर बना डालो, एक कॉमन एमिटर का फिगर बनाओ उसका मॉडलिंग कर दो, एक कॉमन बेस का फिगर बनाओ उसका मॉडलिंग कर दो, एक कॉमन कलेक्टर का फिगर बनाओ उसका मॉडलिंग कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर आप चारों प्रॉपर्टी को अच्छे से डिस्क्राइब कर दो, किसमें फेस शिफ्ट आ रहा है, किसमें फेस शिफ्ट नहीं आ रहा है, माइनस आ रहा है मतलब क्या आपका फेस शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। किसमें फेस शिफ्ट आ रहा है, किस पे फेस शिफ्ट नहीं आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा वहां पे, ठीक। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टीज, इसी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम लोग, ठीक। तो प्रॉपर्टीज की बात करूं मैं आपके लिए, तो पहली प्रॉपर्टी मैं लेता हूं आपके लिए आरआई, आरआई मतलब क्या, इनपुट इंपेडेंस, पहली प्रॉपर्टी मैं लेता हूं आपके लिए आरआई। तो अगर एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की बात करें, सॉरी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की बात करूं, तो यहां पे क्या है आपका इनपुट इंपेडेंस, इनपुट इंपेडेंस क्या है, एच आई ई के बराबर है, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में आपका इनपुट इंपेडेंस क्या है, एच आई ई के बराबर है। अगर एग्जैक्टली बात करेंगे तो कुछ और आ जाएगा आपके लिए, ठीक है, थोड़ा सा एक परफेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन फिर भी एच आई के बराबर है मतलब क्या, 1100 ओम के आसपास है, 1100 ओम के आसपास है, ठीक है। अगर मैं आर नॉट की बात करूं, कंपेरेटिवली 2 इंपेडेंस है अपने इसमें, है ना, तो मैं आर नॉट की बात करता हूं, आर नॉट कितना आ रहा है आपके लिए, इनफाइनाइट आ रहा है, आर नॉट कितना आ रहा है आपके लिए, इनफाइनाइट आ रहा है, तो इनफाइनाइट बहुत हाई है, इनफाइनाइट बहुत हाई है, तो इनफाइनाइट के कंपेरिजन में ये तो बहुत लो है, 1100 ओम क्या है, बहुत लो है। तो आपका जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है, ये आपको लो इनपुट इंपेडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, लो इनपुट इंपेडेंस ये प्रोवाइड करता है आपके लिए, लो इनपुट इंपेडेंस, ठीक। आर नॉट की बात करूं तो आर नॉट कितना है आपके लिए, इंफिनिटी है, आर नॉट कितना है आपके लिए, इंफिनिटी है, इंफिनिटी मतलब क्या, ये आपको हाई आउटपुट इंपेडेंस प्रोवाइड करेगा, हाई आउटपुट इंपेडेंस प्रोवाइड कर देगा, ठीक। तो ये हो गया आपका 2 प्रॉपर्टी। अगर एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की बात करें तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर मतलब लो इनपुट इंपेडेंस, हाई आउटपुट इंपेडेंस, ठीक है। कैसे पता चला आपको, आपको याद नहीं करना है, आपको इक्वेशन याद है, आपको उसका मॉडलिंग किया तो पूरा पता है आपको, है ना, कि आर नॉट आपके लिए इन्फिनिटी आ रहा है और आपका इनपुट इंपेडेंस आपके लिए एचआई आ रहा है, एचआई का वैल्यू 1100 ओम के आसपास ही है, ठीक है। हाई नहीं बोल पाऊंगा मैं, हाई रेजिस्टेंस क्या होता है पहले बता दिया मैं आपको, जिसकी वैल्यू 100 किलो ओम से ज्यादा होती है उसको हम लोग हाई बोलते हैं, ठीक है। लो मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू 1 ओम से कम होती है उसको हम लोग लो बोलते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली इसको लो बोल रहे हैं, मीडियम में नहीं बोल रहे हैं, लो बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी के कंपेरिजन में, आउटपुट इंपेडेंस के कंपेरिजन में इनपुट इंपेडेंस बहुत ही ज्यादा लो है, ठीक। अब मैं बात करता हूं आपके लिए करंट गेन की, करंट गेन की बात करूं, करंट गेन कितना आ रहा है यहां पे, करंट गेन कितना आ रहा है, माइनस एचएफई आ रहा है आपके लिए करंट गेन, ठीक है। तो जितनी भी जो भी एचएफई की वैल्यू होगी वो आएगा आपके साथ माइनस साइन के साथ, माइनस साइन का मतलब क्या है, माइनस साइन का मतलब है फेस शिफ्ट, माइनस साइन का मतलब क्या है आपके लिए, फेस शिफ्ट। अगर फेस शिफ्ट की बात करूं बेसिक आपके लिए, किसी को अगर फेस शिफ्ट ना बताओ, जैसा एक फेस शिफ्ट की बात करता हूं, ठीक, ये हो गया आपका
एम्पलीफायर, ये हो गया आपका एम्पलीफायर, ये हो गया इसका इनपुट, ये हो गया इसका आउटपुट, ठीक है। इसमें फेज शिफ्ट की बात करता हूँ, अगर आपका इनपुट ऐसा आ रहा है, ये आ रहा है आपका इनपुट, ठीक, और इसमें है आपका फेज शिफ्ट 180 डिग्री का, तो ये आ जाएगा आपके लिए कुछ ऐसा, ठीक। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल तब यहाँ नेगेटिव हाफ साइकिल, जब इधर नेगेटिव हाफ साइकिल तो इधर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट बोलते हैं। वो माइनस साइन आपके लिए 180 डिग्री का फेज शिफ्ट बताता है। माइनस साइन आपको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट क्यों बताता है, अगर ऐसा एक मैं नंबर सिस्टम ड्रॉ करूं, है ना, तो यहाँ पे सारे रियल नंबर प्लॉट होंगे, यहाँ पे सारे आपके इमेजिनरी नंबर प्लॉट होंगे, तो माइनस साइन मतलब क्या, इस एक्सिस में कहीं पे आएगा, माइनस साइन मतलब यहाँ, ये तो पॉजिटिव साइड है, ये ओरिजिन है ना, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक। और एक नेगेटिव नंबर की बात करूँ तो बिल्कुल मैं इस डायरेक्शन में ऐसा एक एंगल लूंगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा। आप कोई बोलेगा सर इसी डायरेक्शन में एंगल क्यों ले रहे हो, इस डायरेक्शन में ले लेना करके, है ना, तो ये क्या है आपके लिए, एक्चुअली ये आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन क्या है आपके लिए क्लॉकवाइज है। जब भी मैं 180 डिग्री लिखाऊं, अगर मैं 180 डिग्री लिखाऊं इसका मतलब क्या है, प्लस 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, प्लस 180 डिग्री है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा हम लोग प्लस मानते हैं, क्लॉकवाइज को हमेशा हम लोग नेगेटिव मानते हैं। कोई पूछ दिया आपसे कि एंटी क्लॉकवाइज को ही प्लस क्यों मानते हैं, क्या केसीएल केवीएल की तरह, केवीएल केसीएल तो आपकी मर्जी होती है ना, आपको आउटगोइंग को पॉजिटिव मानना है तो आउटगोइंग को पॉजिटिव मानो, इनकमिंग को पॉजिटिव मानो, तब इनकमिंग को पॉजिटिव मानो, तो क्या आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिख सकते हो, ऐसा पूछ दिया आपसे ना, मुझसे पूछा था किसी इंटरव्यू में, है ना, तो आपको क्या बोलना है, नहीं बिल्कुल नहीं मान सकते, केसीएल केवीएल की तरह नहीं है, केसीएल केवीएल की तरह एंगल का कन्वेंशन नहीं है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को ही हमेशा हमको पॉजिटिव मानना है, क्लॉकवाइज को हमेशा हमको नेगेटिव मानना है। इसका रीजन ये है कि जो अर्थ होता है वो अपने एक्सिस के अक्रॉस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो अर्थ के मोशन के साथ को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, अर्थ के मोशन के अपोजिट को हम लोग नेगेटिव मानते हैं। तो क्लॉकवाइज घूमना मतलब अर्थ के मोशन के अगेंस्ट घूमना, एंटी क्लॉकवाइज घूमना मतलब अर्थ के मोशन के साथ घूमना। इस कारण हमेशा हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव मानना है, क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव मान ही नहीं सकते, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर है आपके लिए, ये कितना फेज शिफ्ट दे रहा है आपको, 180 डिग्री फेज शिफ्ट दे रहा है, इस कारण आपको एक फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा। सबको नंबर भी पता हो क्लियरली 180 का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे सारे रियल नंबर प्लॉट होंगे, यहाँ पे सारे इमेजिनरी नंबर प्लॉट होंगे, है ना, कोई प्लस जे बोलेगा तो इधर, माइनस जे बोलेगा तो इधर, ठीक। हाँ, करंट गेन की बात करते हम लोग, करंट गेन क्या आ रहा है आपके लिए, यहाँ पे एचएफई आ रहा है। एचएफई क्या एक हाई नंबर ही है, एचएफई मतलब 50-60 का गेन आ रहा है लगभग करके, है ना। लेकिन एम्पलीफायर के केस में 50-60 के गेन को हम लोग हाई नहीं मानते, अगर एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक अच्छा एम्पलीफायर वो होता है जो आपको 10,000-20,000 का गेन प्रोवाइड करे, है ना, 10,000-20,000 का गेन प्रोवाइड करे, उसको हम लोग अच्छा एम्पलीफायर मानते हैं, ठीक है। 50-60 का गेन मतलब मीडियम, मीडियम गेन बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो एआई का जो वैल्यू है इसको मैं बोल रहा हूँ मीडियम 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 करंट गेन, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, मीडियम करंट गेन विथ फेज शिफ्ट, विथ फेज शिफ्ट, नेगेटिव साइन मतलब क्या, फेज शिफ्ट, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके लिए विथ फेज शिफ्ट। अब बात करता हूं वोल्टेज गेन की, अब बात करता हूं मैं आपके लिए वोल्टेज गेन की। तो वोल्टेज गेन भी क्या आ रहा है आपके लिए, वोल्टेज गेन आ रहा है आपके लिए वही AI into RL upon RI, ठीक है। तो AI into RL upon RI आ रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज गेन भी आपके लिए AI का फंक्शन ही है, अगर AI मीडियम है तो AI से एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो नंबर क्या है आपके लिए, RL by RI का एक नंबर है, जो आपके RI की वैल्यू है ये 1100 ओम के आसपास रहेगी, RL की वैल्यू भी बहुत बड़ी तो होने वाली नहीं है, ऐसा नहीं कि मेगा ओम में रहेगी RL की वैल्यू, अगर मॉडरेट वैल्यू है, अगर बहुत बड़ी वैल्यू भी है, अगर बहुत बड़ी वैल्यू भी मान लेता हूँ मैं, तो भी ये वोल्टेज गेन को हाई साइड लेके नहीं जा पाएगा, ठीक है। हाई गेन का मतलब हमेशा 10,000-20,000 होता है, इसका आपको ध्यान रहे, है ना, क्योंकि मेरे को कंपेयर भी करना है बाद में, जब मैं अभी तो बस सी बनाया हूँ, सी बनाऊंगा मैं, इसके बाद सी भी बनाऊंगा, तीनों को कंपेयर करूंगा, तो उसमें देखूंगा हाईएस्ट गेन किसका है, हाईएस्ट गेन किसका है, लोएस्ट गेन किसका है, बीच का गेन किसका है, तो इसका मीडियम में आएगा, इसका मीडियम रेंज में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके वोल्टेज गेन में क्या होगा, मीडियम गेन, वोल्टेज गेन भी यहाँ पे मीडियम है, ठीक। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर आपको वोल्टेज गेन भी प्रोवाइड कर रहा है, एक करंट गेन भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर मैं कल कॉमन कलेक्टर का फिगर ड्रॉ करूंगा, है ना, जब कॉमन कलेक्टर के लिए पूरा इक्वेशन वगैरह डिराइव करेंगे हम लोग, तो देखेंगे जो कॉमन कलेक्टर का वोल्टेज गेन होता है वो 1 आता है, जो कॉमन कलेक्टर का वोल्टेज गेन होता है वो 1 आता है, वो बनता है आपके यूनिटी वोल्टेज गेन वाला, क्यों बनेगा कैसे बनेगा वो कल देखेंगे, है ना। लेकिन फिर भी वहां पे वोल्टेज गेन 1 आता है, वोल्टेज गेन 1 आ रहा है मतलब क्या, वो वोल्टेज को एम्पलीफाई नहीं कर पा रहा है, कॉमन कलेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, वो वोल्टेज को एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा, लेकिन कॉमन एमिटर वोल्टेज को भी एम्पलीफाई कर दे रहा है, करंट को भी एम्पलीफाई कर दे रहा है, कॉमन कलेक्टर वोल्टेज को एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा, वोल्टेज को एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा मतलब क्या, वोल्टेज बफर की तरह एक्ट करेगा, वो क्या करेगा, वोल्टेज बफर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो एक एक की प्रॉपर्टी इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बस बता दे रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन वाइज की 1 आएगा, कल देखेंगे हम लोग 1 कैसे आएगा, वहां पे RC का इफेक्ट क्या होगा, है ना। तो ये सब देखना बहुत जरूरी है, इस कारण मेरे को
सबकी प्रॉपर्टी से कंपेयर करना है अच्छे से, वोल्टेज गेन, करंट गेन, ये सब है ना। तो ये आपको एग्जाम में पूछता है कंपैरिजन। तो अभी हम लोग कॉमन एमिटर वाला पार्ट पढ़े हैं, कॉमन एमिटर के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस। कल कॉमन कलेक्टर कॉमन बेस दोनों देखेंगे हम लोग, ठीक है। वहां पे प्रॉपर्टीज कैसे कैसे आएंगी, आरसी का इफेक्ट वहां पे क्या होगा, आरबी का इफेक्ट वहां पे क्या होगा, उसको नीचे हम लोग क्यों ड्रॉ नहीं करते हैं, आरई को अलग से क्यों ड्रॉ करते हैं, ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे, है ना। तो कल प्रोबेबली आपका कॉमन कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस भी दोनों वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर हमको देखना है सबका इंटर रिलेशन, है ना। इस चैप्टर में आपका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिलर थ्योरम। मिलर थ्योरम भी बहुत बार पूछा है सीएसपीटीयू में, है ना। मिलर थ्योरम भी आपको बहुत बार पूछा है, मिलर थ्योरम भी, डुअल ऑफ मिलर थ्योरम भी, ठीक है। तो मिलर थ्योरम भी हमको देखना है इसी यूनिट में। इसके अलावा आपके सिलेबस में क्या है, एक हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है ना, वो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। से कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रहा ना किसी को, सिंपल ही है सब, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाई फ्रीक्वेंसी को भी सिंपल बना लेंगे अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है आपके लिए, वो भी एक सिंपल वाला पार्ट है बोलूंगा, मैं सिंपल पार्ट ही बोलूंगा, है ना। और आपके लिए ऑसिलेटर भी है क्या आपके सिलेबस में, डबल ई ऐसी किसी एक में है, मैं सिलेबस देखा था इसी में है क्या ऑसिलेटर, हाँ ठीक है ऑसिलेटर भी पढ़ डालेंगे। और क्या मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, दोनों को है क्या मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ लेंगे। और कौन सा यूनिट है, फीडबैक, हाँ फीडबैक एम्पलीफायर सबसे इंपॉर्टेंट, तो फीडबैक एम्पलीफायर है ना। तो फीडबैक एम्पलीफायर में भी क्या मिक्सिंग, कहाँ पे शंट, कहाँ पे सीरीज, क्यों, सबका प्रॉपर रीजन के साथ, कुछ आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, वो भी अपन पढ़ डालेंगे, ठीक है। और मॉस्फेट फेट एम्पलीफायर भी है क्या इसमें, बाइसिंग है फेट और मॉस्फेट का, बाइसिंग है, कौन से ब्रांच को है, इलेक्ट्रिकल को है फेट और मॉस्फेट, ठीक है वो भी पढ़ डालेंगे। मैं दोनों से बस पूरा खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। एम्पलीफायर है मॉस्फेट का, मॉस्फेट एम्पलीफायर नहीं है, अच्छा तुम लोग को उसमें होगा मॉस्फेट एम्पलीफायर, वीएलएसआई में, वीएलएसआई जब आएगा इसी वालों को तब होगा मॉस्फेट एम्पलीफायर, ठीक है। जो भी आपका सिलेबस है वो डिटेल में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एंड करते हैं आज की क्लास, कल रखते हैं, ठीक है, सेम टाइम पे।